हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेशनल एकेडमी। आइए आज फिर हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 यानी क्लास 10 का एक्सरसाइज 1 8.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। ध्यान दें, हमने पिछले वीडियो में आपको 8.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप जाकर पहले 8.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख ले, या फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में। तो आइए दोस्तों ध्यान देंगे, क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8.1 का भैया कि इन फिगर 8.13 और जो फिगर में दे दिया गया है, यहाँ जी क्वेश्चन में ध्यान देंगे, क्वेश्चन दे दिया गया है और यहाँ फिगर उसका दे दिया गया है 8.13 फिगर नंबर में, ध्यान देंगे आपके बुक में है, देख लेंगे। और फाइंड क्या करना है भैया, टेन पी माइनस कॉटा, फाइंड क्या करना है जी, टेन पी माइनस कॉटा, ध्यान देंगे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए भैया, सबसे पहली बात आपको हमने बताया है, किसी भी रेशियो को निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, कोई भी एंगल आपको फाइंड करना हो, कोई भी एंगल, सबसे पहले आपको यह देख लेना है कि क्या तीनों साइड का जो लंबाई है यानी कि लेंथ है वह दिया गया है अथवा न दिया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, लेकिन आप देख रहे हो कि QR का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ से हम QR निकाल लेते हैं। ध्यान देंगे, पिछली क्लास में हमने इसके बारे में बताया है, ध्यान रखेंगे QR बराबर होता है PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, ध्यान रखेंगे, यानी कि यह कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये क्या है भैया, बेस, इसको बेस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बेस इक्वल टू कहता है कि रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस इसके लिए, इस एंगल के लिए हाइपोटेनस ये होगा, ठीक, सॉरी, यहाँ इस एंगल के लिए हाइपोटेनस ये है और परपेंडिकुलर इसके सामने वाले यानी कि QR। फिर यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं PR का वैल्यू दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर भैया, और माइनस PQ का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, ध्यान देंगे थोड़ी सी। उसके बाद हमने क्या किया है, ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, 13 का स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर आप जानते हो 169 होता है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि सेंटीमीटर को भी दो बार गुना करेंगे तो स्क्वायर ही मिलेगा, फिर से ध्यान देंगे। और माइनस 12 का स्क्वायर करोगे भैया तो 144 सेंटीमीटर आएगा। अब हमने यहाँ क्या किया है, और यहाँ से 169 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 144 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 25 सेंटीमीटर पर आपको हम लिख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, आप जानते हो कि रूट में दो नंबर के बाद एक नंबर हम निकाल लेते हैं, यानी कि जोड़ा लगा लेते हैं, यहाँ से यहाँ देखेंगे दो वैल्यू मिला, 5 इंटू 5 एक बाहर आ जाएगा यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने देखा इस फॉर्मूला को लगाया तो QR का वैल्यू क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। आइए अब हम प्रश्न पे आते हैं, ध्यान देंगे प्रश्न क्या कहता है, आपका प्रश्न कह रहा है भैया, यहाँ ऐसे ध्यान रखेंगे, आपका प्रश्न क्या कह रहा है भैया, फाइंड टेन पी माइनस कॉटा, यानी कि ध्यान रखेंगे सॉल्यूशन देखेंगे, ध्यान देंगे टेन पी माइनस कॉटा, बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान देंगे टेन पी यानी कि टेन के बारे में कह रहा है, तो सबसे पहले टेन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, तो टेन का क्या होता है, पी बाई पी यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या होगा पी के लिए, पिछले वीडियो में हमने बताया है कि किसी भी एंगल जो इंगल वाले पूछ रहा है उसके सामने वाले जो साइड्स होते हैं वही परपेंडिकुलर होते हैं, तो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, QR, QR बटा और बी, यानी कि ये जो एंगल्स के साथ वो दो साइड सट रहे हैं, जो मिल रहे हैं, इसके एक तो आप देख रहे हैं यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल
कंटीन्यूअस होते हैं तो ये तो होंगे नहीं, यानी कि पी आर तो होंगे नहीं, तो फिर क्या मिल जाएंगे आपको बेसिस इस एंगल के लिए पी क्यू, यानी कि क्या मिल गया भैया पी क्यू। अब यहां से कर लेते हैं सॉल्व, माइनस कॉट के लिए देखेंगे, कॉट का फॉर्मूला कहता है कि बी बाय पी यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहां कॉट आर के लिए, इस एंगल के लिए देखिए ये तो नहीं होगा भैया, या क्यों नहीं होगा बेस, क्योंकि यह तो परपेंडिकुलर, सॉरी क्या है भैया हाइपोटेनस है, क्योंकि राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस होता है और इस एंगल के साथ एक और साइड मिल रहे हैं, वह मिल रहा है क्यू आर, इसके लिए तो बेस ही ना होगी जी। तो क्या होगा इसके लिए बेस क्यू आर बटा, और क्या होता है कॉट बराबर बी बाई पी, और इस एंगल के सामने जो एंगल साइड होंगे वही क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि पी क्यू होंगे। अभी कुछ नहीं सॉल्व कर लेते हैं इसका वैल्यू पुट करके, ध्यान रखना पी आर का वैल्यू, पी आर का वैल्यू दे दिया गया है पी आर का वैल्यू, सॉरी सॉरी क्यू आर का वैल्यू जाना, क्यू आर का वैल्यू दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू देख रहे हैं 12 सेंटीमीटर। यहाँ सब्जेक्ट का चिन्ह है तो सब्जेक्ट देंगे और क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू देख रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर आपको मिला है पाइथागोरस थ्योरम से, और पी क्यू का वैल्यू देख रहे हैं दिया गया था गिवन डेट था, या पी क्यू का वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं प्लस में माइनस नहीं पे काट के और जीरो लिख देते हैं, ऐसा करना शायद गलत ही होगा, क्योंकि इसको हम एग्जाम में आप जाते हैं कि एग्जामिनर अगर बढ़िया से को पीछे करेगा तो देखेगा कि आप किस ढंग से बने, तो आपका बनाया हुआ कुछ तरीका कुछ छीन लेगा तभी आपको फुल मार्क्स देगा, अन्यथा अगर दो नंबर का क्वेश्चन आएगा एक नंबर देकर निकल जाएगा, तीन नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो दो नंबर देकर निकल जाएगा, तो आपको तो ज्यादा ज्यादा मार्क्स लाना है, इसलिए अच्छे ढंग से इसको सोल्यूशन कर लेंगे। पहले हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, ध्यान रखेंगे एलसीएम ले लिए 12 सेंटीमीटर, तो 5 12 का टेबल जब पढ़ेंगे कितने बार ट्वेंटी वो सॉरी 12 आ जाएगा, तो 12 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे और 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सेंटीमीटर भैया, और माइनस 12 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 12 आएगा 1 बार, और 1 का पढ़ेंगे 5 बार तो 5 में से 5 गया 0, 0 बटा 12 सेंटीमीटर, अर्थात इसका आंसर कितना आया भैया, इसका आंसर आया 0। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए पर्याप्त समय दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद मित्रों, आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो हमें पूर्ण विश्वास है आप अगली बार से यह क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से बनाएंगे, आप आने वाले जो आप जाएंगे आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको 3rd नंबर क्वेश्चन, इसी तरह से सारे क्वेश्चन को आप करवा देंगे, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहें नेस्ले के टीचर में आपका पुनः स्वागत है। आप अगर हमें वीडियो को देखना चाहते हैं, हमारी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और आपके मित्रों को इससे सहायता मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि आए आपको चाहने वाले जो हैं उनके आप भलाई चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद लेकर अपने एग्जाम में बेहतर कर सके। धन्यवाद।